तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से कोरलड्रा में मुख्तलिफ बटन्स तैयार कर सकते हैं, जिन्हें आप चाहें तो अपने वेब पेजेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना मुख्तलिफ डिज़ाइंस के लिए या अपने इंटरफेसिस के लिए आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन कर लेते हैं जी। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा जूम इन और इस पर एक लगा लेते हैं बॉक्स और उसको हम कर लेते हैं, चलो उसको कलर बाद में ऐड करेंगे जी। और इस पर मैं लगाता हूँ एक रेक्टेंगुलर शेप जो कि हमारे बटन की शेप होगी, और इसके मैं करता हूँ शेप टूल को सेलेक्ट किया और इसको यहाँ कोने से पकड़ के ये देखें कि जब यहाँ पर हमारा ये इसका अभी मैं बताता हूँ आपको, ये देखें जैसे मैं इसको कॉर्नर इसके में ऐड करने लगता हूँ यहाँ पर ये देखें ये लॉक लगा हुआ है, तो फिर इसके तमाम कोने जो हैं वो एक ही एंगल से मूव कर जाएंगे और वो उनकी वही रेशियो आएगी सबके 100%। इसको गोल किया और इसको मैं करता हूँ किसी भी कलर का, इसको मैं कर लेता हूँ डार्क ब्लू कर लें, आउटलाइन इसकी राइट क्लिक से ख़त्म कर ली। और चलें मैं पहले इसको करता हूँ लाइट कलर का ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। इसकी एक शिफ्ट की प्रेस करके अंदर की साइड पे कॉपी की जी ये वाली, और इसको मैं करता हूँ इसका साइज छोटा और शिफ्ट की से साइड से प्रेस किया ताकि दोनों तरफ से वो उसकी शेप जो है वो अंदर की साइड पर हो जाए। इसको मैंने किया डार्क ब्लू, इसको किया लाइट ब्लू, और अब हमने करना है ब्लेंड टूल सेलेक्ट और इसको इसके ऊपर ड्रैग करना है। तो ये देखें कि हमारा जो इफेक्ट है वो इस पर अप्लाई हो गया ब्लेंड टूल से। 20 स्टेप्स हैं अगर मेरे ख्याल से ठीक है, वरना आप इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी अब हमने करनी है एक कॉपी, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल की से प्रेस रखते हुए यहाँ पर आकर राइट क्लिक से एक और कॉपी ऐड की, और इसका कलर मैं कर देता हूँ लाइट ब्लू और साइज़ इसका थोड़ा सा मैंने चेंज किया, और ये हमारा जो है ट्रांसपेरेंसी टूल और कंट्रोल की प्रेस की और बिल्कुल सीधा इसको थोड़ा सा पीछे से उसको स्टार्ट किया और उसके एंड से पहले उसको छोड़ दिया ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड हो जाए। और इसको वाइट करना है तो वाइट कर दें, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, वाइट मैंने कर दिया इसको जी। एक तो हमारा तरीका था ये, इसमें हम इसी तरह से मुख्तलिफ कलर्स जो हैं इसके हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसको चेंज किया, कॉपी किया और उसको रिपीट किया, और इस तरह से ये इसको मैं बना लेता हूँ ग्रुप। तो ग्रुप में जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम इजीली एक से चीज़ों के किस तरह से कर सकते हैं, कंट्रोल से क्लिक किया तो अब हमारा जो ये ब्राइट वाला पोर्शन था वो सिलेक्ट हो गया। इसको मैं कर देता हूँ येलो और फिर प्रेस करता हूँ टैब की, और अब ऊपर वाला हो गया सिलेक्ट, उसको भी कर देता हूँ येलो, सॉरी वो बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ तो इसको कर देते हैं हम ऑरेंज जी, और फिर टैब की प्रेस की ऊपर वाला हो गया सेलेक्ट, इसको कर देते हैं वाइट, वो पहले से वाइट है ठीक हो गया। इस तरह से हम इसमें इसको कर देता हूँ मैं लाइट ग्रीन, और टैब की प्रेस की मेन जो उसका ऑब्जेक्ट था मेन जो बॉडी थी ऑब्जेक्ट की वो सिलेक्ट हो गई, इसको करते हैं हम डार्क ग्रीन और इस तरह से ठीक हो गया। और इस तरह से एक ब्लू रंग देते हैं, एक ये तरीका, और एक इसके अलावा हमारे पास कलर स्कीम का एक और तरीका भी है। इसकी कॉपी की, और बल्कि इन तीनों की मैं करता हूँ चलो एक की कॉपी कर लेते हैं पहले, उसकी फिर बाद में कॉपी कर लेंगे। उसमें हम ये करते हैं कि बेस कलर को इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल की से और टैब की प्रेस की, उसकी जो मेन ऑब्जेक्ट है उसका मेन बॉडी उसकी वो सिलेक्ट हो गई, उसका ऑरेंज कलर यहाँ से पता चल गया हमें, तो इसको हम करते हैं ब्लैक। ये वाला ब्लैक नहीं करना है, बल्कि ये जो सबसे आखिर में 100 सियान 100 मजेंटा 100 येलो और 100 ब्लैक इसको सेलेक्ट करना है, तो वो बिल्कुल डार्क जो ब्लैक पिच ब्लैक जिसे कहते हैं वो वाला कलर आएगा, और इसके ऊपर ये हमने येलो रहने दिया। और अब इसको मैं करूँगा सेलेक्ट और इसकी मैं करता हूँ कॉपीज और उसके बाद रिपीट फंक्शन, और यहाँ पर अब हमें सिर्फ इसका कलर चेंज करते हैं और हमारा जो इफेक्ट है वो हमारे सामने नमूदार हो गया और ये हमारा काम हो गया मुकम्मल। इस तरह से चाहे तो मेन जो उसकी बॉडी है उसका कलर ब्लैक रखें और जो नीचे जो स्मॉल पार्ट्स हैं उनका कलर चेंज करते रहें, या सबकी जो आप प्रोपोर्शनली जो शेडिंग है उसकी
कंट्रास्ट के हिसाब से या उसकी कलर स्कीम के हिसाब से आप उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ वेरिएशन हैं इसके, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, जिस तरह से आपको ये अच्छा लगे। और इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से, कलर दे दिया इसको और इसको किया डाउन, और इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, और इसमें हमने करना है शेडो ऐड करना है। शेडो को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर जी हल्का सा शेडो। अब यही शेडो मैं तमाम ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करना चाहता हूँ इसी रेशियो से, इसी एंगल से। तो मैं क्या करूँगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और बाद में शेडो टूल पर सिलेक्ट किया, तो आप देखें कि जैसे ही हम किसी फाइल में किसी एक ऑब्जेक्ट पर शेडो अप्लाई करते हैं या ये वाले इफेक्ट्स कुछ इनमें से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉपी का एक बटन आ जाता है जो जिस पर कर्सर रखने से कॉपी ड्रॉप शेडो प्रॉपर्टीज़, ये बटन नमूदार हो गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है और ये बटन प्रेस किया है, तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि किस ऑब्जेक्ट से हमने जो शेडो टूल हमने सेलेक्ट करके जो बटन हासिल किया था, तो हम किस ऑब्जेक्ट से जो शेडो टूल शेडो का इफेक्ट है वो कॉपी करना चाह रहे हैं। तो जहाँ पर शेडो है उस पर क्लिक कर दें, तो ये देखें कि बिल्कुल इसी रेशो से शेडो इस पर भी अप्लाई हो गया। इसी तरह से हम इस पर भी अप्लाई करना चाहें तो शेडो टूल को दोबारा से सेलेक्ट किया और इसके ये कॉपी वाला बटन सेलेक्ट किया। इसको हम करेंगे जी ये, या इस पर क्लिक कर दें या इस पर क्लिक कर दें, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखें कि अब वही जो शेडो की रेशियो थी वो इस पर आ गई, जौन सा कलर, जौन सा एंगल, जौन सी टोन और जिस वैल्यू से भी वो इस पर शेडो अप्लाई था उसी वैल्यू से वो इस पर भी अप्लाई हो गया। इसी तरह से हम इनके ऊपर भी, ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स पर भी वो शेडो इस कॉपी वाले ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं जी। एक ये तरीका था हमारे पास, और एक है हमारे पास इनको राउंड शेप में बनाने का, वो भी हम कंट्रोल की से एक सर्कल लगाया और उसको मैं करता हूँ उसमें कर लेते हैं हम उसमें कर लेते हैं रेडियंट लीनियर जी, लीनियर वैल्यूज़, और इसको किया थोड़ा डायगनली जी, तिरछा किया इसको, ऊपर किया इसके लाइट कलर और यहाँ पर किया थोड़ा लाइट, ज़्यादा लाइट हो गया जी, ये मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। इसके मैं आउटलाइन कर देता हूँ ख़त्म जी, और इसको हम क्या करते हैं, इसकी करते हैं एक कॉपी की और ये दो कॉपीज़ की, और जो दरमियान वाली कॉपी थी उसको हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसको मिरर कर दिया। तो इस तरह से लगेगा कि जैसे बाहर का किनारा इसका उभरा हुआ है और अंदर वाला पोर्शन अंदर की तरफ है, और उसके बाद फिर ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। इसमें हमने ऐड करना है जो हमारा है, इसकी फिर कर लेते हैं कॉपी और इसको कर लेते हैं ब्लैक जी। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं कर लेता हूँ जूम इन थोड़ा सा जी। इसमें अब हमने क्या करना है कि उसी तरह से मैं ब्लैक ही इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है मेन बटन की, उसको मैं ब्लैक रखता हूँ, और इसमें हमने करनी है इसका जो कॉपी है वो ऐड करनी है। तो हम इसको करते हैं, इसको मैं ले जाता हूँ कंट्रोल की से साइड पर, इसको किया येलो और इसको ले किया है वापस, ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी कॉपी की। इसको मैं करता हूँ कर्व, या तो इसके ऊपर राइट क्लिक से हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन कन्वर्ट टू कर्व, या कंट्रोल की उसकी शॉर्ट किया, वरना एडिट में जाकर हम इसको यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगी, एडिट में नहीं बल्कि मेरे ख्याल से ये रेंज में होगी जी, ये रेंज में कन्वर्ट टू कर्व, वरना ये बाहर हमारे पास इसका बटन भी प्रॉपर्टी बार पर आ चुका है, वरना यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व जी इसको किया। और अब शेप टूल से मैं इसको ऊपर वाले नोट को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल की प्रेस रखता हूँ और यहाँ पर ला के इसको कंट्रोल की छोड़ी, और पहले नोट छोड़ दी और फिर इसके बाद कंट्रोल की, और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा छोटा, और इधर से भी किया प्रेस, और शिफ्ट की प्रेस करके साइडों से थोड़ा कंप्रेस किया इसको जी। और इसको अब मैं इसको भी करते हैं ब्लेंड टूल से, इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये देखें कि हमारा इफेक्ट जो है वो हमारे सामने है, लेकिन ये इसके जो स्टेप्स हैं ये नज़र आ रहे हैं जो कि यकीनन अच्छे नहीं लग रहे। तो इसी सिलेक्शन को रखते हुए अपने पास ये हम 420 की जगह मैं कर देता हूँ 40, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ इसकी शेप जी, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगी, और इसको किया जूम आउट,
और इस तरह से हम ये भी मुख्तलिफ बटन जो हैं, बल्कि जी इसकी भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इनको भी हम अपने वेब पेजेस के लिए, ये भी हमारे बटन एक और स्टाइल के तैयार हो गए। और इसका हम कलर चेंज कर देंगे यहाँ पर सिंपल, तो हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हमें और कुछ नहीं करना जी, इस तरह से मुख्तलिफ कलर स्कीम्स के तहत हम ये बटन हासिल कर सकते हैं अपनी पसंद के कलर कम्बिनेशन के साथ। और इनको शेडो लगाना है तो इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर लिया, और इसमें ये शेडो टूल, ये कॉपी का बटन आ गया। और जी ये देखें कि उस पर भी उसी रेशो से और उसी टोन में हमारे पास ये जो शेडो था ये हमारे पास अप्लाई हो गया। उम्मीद है कि ये एक खूबसूरत बटन इफेक्ट कोरल ड्रा में 3D लुक के साथ जो हमने बनाया, ये तरीकाकार, ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और आप यकीनन इसे किसी ना किसी अपने इस्तेमाल में लाएंगे और अपने डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। फिर मिलते हैं।